अच्छा ये देखो जी दोस्ती इनकी, उसको छेड़ते हैं, उसके नज़दीक जाते हैं तो ये देख सकते हैं जी भौंकना शुरू कर देता है। तो कैसी लगी ये जोड़ी आप लोगों को तो ज़रूर कमेंट करके बताना जी। तो इसके बाद जो है डीजी बड़ा सुस्त है जी, तो इसकी हेल्थ की केयर के हिसाब से जो है पापा जी ने कहा कि इसे जो है हम क्लिनिक लेकर चलते हैं। ये दो हैं दोनों के दोनों बच्चे, यहाँ ऊपर नीचे उछल कूद करते रहते हैं। चलो जी तो देखो जी बुखार उसका चेक हो रहा है, करता है बच्चों की तरह। तो हाँ जी फ्रेंड्स, हमारी मिनिएचर चिकन फैमिली इनको खाने को दिया जी, इस टाइम फीड दिया है मैंने आज शाम के वक्त, तो अभी बड़े मज़े से खेल रहे हैं। और सारे बाकी के जितने भी हैं इनको बड़ों को मैंने अभी खाना खिलाया और बंद कर दिया। हाँ जी फ्रेंड्स, स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में, और परमेश्वर का धन्यवाद आज का सुंदर दिन दिखाया। तो देख सकते हैं जी हमारी ब्लैक ब्यूटी शाम होते ही अपने आप जाकर जो है जी अपने केज में जाकर बैठ गई। देखो जी, तो कुछ दिन पहले आप लोगों को जैसा पता है व्लॉग में मैंने बताया था कि इनको रात के वक्त मैं जो हूँ केज चेंज कर देता हूँ जी, उसमें बंद कर रहा हूँ, वो भी इनकी सेफ्टी पर्पज से, क्योंकि मुझे आज तक नहीं समझ आया कि लास्ट वाले दोनों बच्चे कैसे गायब हुए। तो हाँ जी दोस्तों, अभी अभी मुझे फ़ोन आया था मेरे फादर इन लॉ का कि उन्होंने जो है जी बिल्ली है जो नज़दीकी कोई ऐसी रहती होगी उसने दो बच्चे घर में दे दिए थे, तो छोटे छोटे दो बच्चे उन्होंने पाले और प्यार पड़ जाता है जैसा आपको पता ही है। तो मेरे फादर इन लॉ भी बहुत काइंड हार्टेड हैं, तो उन्होंने डॉग भी रखा है, तो उनके पास क्या क्या पेट्स हैं वो भी मैं कभी आपको व्लॉग करूंगा तो उसमें ज़रूर बताऊंगा। वो कैट है, वो बिल्ला है और थोड़ा बड़ा हो चुका है अब, तो बच्चा जो है काफ़ी टाइम से उन्होंने पाला, उसको दूध वगैरह देते थे तो वो जो है वहीं पर रहने लग गया। तो जी उसके ऊपर किसी जंगली डॉग ने, स्ट्रीट जो बाहर कुत्ते घूमते हैं, उन्होंने जो है जी अटैक कर दिया और बच्चा जो है वो बीमार हो गया। तो उन्होंने अपने लेवल पर ट्रीटमेंट किया पर बात नहीं बन रही है, वो अब पता नहीं कैसी कंडीशन है। तो उन्होंने मुझे बुलाया है कि साथ चलना है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो हम जो है जी उस कैट को, उस बिल्ली के बच्चे को जो है हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। तो आप लोग व्लॉग में लास्ट तक बने रहना, मुझे भी नहीं पता, मैंने नहीं देखा है बच्चे की कैसी कंडीशन है। तो हाँ जी दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ जी अपने फादर इन लॉ और मम्मी के पास, मम्मी पापा के पास आया हूँ जी। तो वो बिल्ला जो है तो देख सकते हैं, देखो जी तो बीमार हो गया और पापा इसको गोद में लेके बैठे हुए हैं। तो डेजी, डेजी नाम है ना, कितने टाइम के हो गए पापा जी? नाम है डेजी, हाँ जी 5 महीने का हो गया जी। तो 5 महीने का हो गया, बहुत अच्छा खेलता था, कूदता था। एक आज सुबह से 2 दिन हो गए इसकी तबीयत खराब हो रही है, सुबह इसने वोमिट भी की है और ये आज ये घर से बाहर नहीं निकल रहा ना, वोमिट भी हुई है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, तो ये है हस्की है जी, साइबेरियन हस्की नस्ल जो आप लोगों को पता होगा। तो ये वो डॉग है जी, तो ये भी 1 साल का बच्चा हो गया है ना पापा जी? ये 1 साल। तो मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा शौक है जी, देख सकते हैं आप एनिमल्स रखे हुए हैं घर में, यानी कि बड़े प्यार से भी फैमिली के मेंबर हैं। तो ये एक है जी और ये दोनों आपस में, अब तो दोस्ती हो गई है ना पापा? हाँ अच्छा प्यार हो गया ये। पहले जो है ये आपस में डर लगता था कहीं भाई ये डॉग है, बल्कि बड़े समझदार होते हैं जो हस्की है, साइबेरियन हस्की नस्ल जो है जी। तो अब ये बड़े हो गया, ये घर में ही बच्चे पैदा हुए थे है ना पापा जी? यहीं पर दिए थे बिल्ली ने? तो ये यहीं पर घर में 2 बच्चे दिए हैं जी बिल्ली ने, 3 थे, एक तो मेरे ख्याल से मर गया था और 2 है ये अभी भी इनमें, एक घूमने गई भी है बिल्ली और एक देख सकते हैं जी ये रहा। तो ये बिल्ला है, तो इसकी तबीयत, हाँ क्या हुआ, इससे बात नहीं कर रहा हूँ ना मैं इसलिए। हाँ जी इसको छेड़ने देता। अच्छा ये देखो जी दोस्ती इनकी, उसको छेड़ते हैं, उसके नज़दीक जाते हैं तो ये देख सकते हैं जी भौंकना शुरू कर देता है। तो कैसी लगी ये जोड़ी आप लोगों को तो ज़रूर कमेंट करके बताना जी। तो इसके बाद जो है डीजी बड़ा सुस्त है जी, तो इसकी हेल्थ की केयर के हिसाब से जो है पापा जी ने कहा कि इसे जो है हम क्लिनिक लेकर चलते हैं। तो चलें पापा जी फिर, चलो जी चलते हैं जी इसको लेकर अब, और आगे का जो व्लॉग है वो आप लोगों को आगे दिखाएंगे जी, क्लिनिक लेकर चलते हैं, क्या डॉक्टर बोलता है, क्या हुआ है। और ये खेलता रहता था देखो, ये देखो हाँ, तो ये देख रहा है कि बाहर कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे दोस्त को, वो देखो। तो बहुत मौज मस्ती करते हैं जी दोनों के दोनों, तो आपस में बहुत खेलते रहते हैं। तो कभी एक पूरा लॉन्ग व्लॉग करूंगा मैं, राइडर नाम है जी इसका, जो हमारा डॉग है इसका नाम है राइडर। और चलो चलो जी फिर चलते हैं, और पिंजरा तो है ना पापा जी? अंधेरा होने लगा इससे पहले चलते ही। तो ये देखो जी इनकी प्लेट, इनका पिंजरा, इनका खाने के बर्तन यहाँ रखे हैं, तो मम्मी यहाँ किचन में खाना बनाते रहते हैं। ये दो हैं दोनों के दोनों बच्चे, यहाँ ऊपर नीचे उछल कूद करते रहते हैं। चलो जी लो जी पिंजरे के अंदर
नहीं बाहर नहीं आना, चलो। लो जी, तो डेजी को जो है पिंजरे में कर दिया बंद, वो इसलिए किया ताकि ये जल्दी जल्दी ठीक हो सके। तो ले जी। लो जी, तो इसको मैं जो हूँ एक्टिवा में आगे, पर यहाँ आएगा नहीं पिंजरा पापा जी, पकड़ना ही पड़ेगा। तो लो जी, पकड़ के बैठ जाएंगे पापा, मैं चलाता हूँ एक्टिवा, है ना। तो देखो जी, रास्ते में नीचे देख के डर रहा है क्योंकि पहली बार आज इसको बाहर निकाला है। तो हाँ जी फ्रेंड्स, तो डेजी को, उसको बिल्ली को जो है जी अंदर लेके चले जा चुके हैं क्लिनिक में, देख सकते हैं पापा वहाँ पे। तो अब चेकअप होगा, वो देख सकते हैं जी डेजी का। तो आओ जी अंदर चलते हैं और देखते हैं जी डेजी को। नहीं भैया, नहीं यार, मैं इस, हाँ जी फ्रेंड्स, मैं गया था अंदर तो वीडियोग्राफी के लिए मना कर दिया उन्होंने कि वीडियो नहीं बनानी है। तो वहाँ देख सकते हैं जी आप, तो अपनी एक्टिवा से बैठ के ही मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। तो वहाँ पे अभी शायद डॉक्टर चेक कर रहे हैं अभी, वो देखो जी अभी तो उसको वहाँ पे काफ़ी डॉग्स भी अंदर एडमिट हैं, एक या दो डॉग भी हैं साथ में जो एडमिट किए हुए हैं। तो अभी डॉक्टर साहब ज़रा बिज़ी हैं, फिर वो चेक करते हैं क्या बोलते हैं इसके लिए, तो देखते हैं जी। तो चेक कर रहे हैं अब, तो देखो जी बुखार उसका चेक हो रहा है। लो जी, तो डेजी आ चुका है हमारा बाहर। क्या बताया डॉक्टर ने? नॉर्मल था फीवर। अच्छा, फीवर था और चोटें वगैरह तो नहीं लगी अंदर जैसे डॉग वगैरह ने पकड़ा है? नहीं, तो अब चलते हैं जी, इसके लिए दवाई लेते हैं। और फिलहाल जो है ठीक लग रहा है, अभी फिलहाल जो एक्टिव है कम से कम, अब सुस्त नहीं है। तो लो जी, तो मैं बैठूंगा पीछे इसको पकड़ के और पापा करेंगे ड्राइव। चलो लो जी, तो चलते हैं अब लेके डेजी को इस तरफ से। तो देख सकते हैं जी, तो डेजी को मैंने पकड़ रखा है यहाँ पे और पापा जो है दवाई लेने गए हैं अंदर। तो पापा जी वहाँ दवाई लेने गए हैं डेजी की, और ये यहाँ पर इधर उधर देख रहा है, ये देखो। तो लाइटिंग वगैरह और रोड पे आती जाती गाड़ियों को देख के थोड़ा सा देखो जी डर के बैठा हुआ है। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जी, तो ये देख सकते हैं जी, ये सारी दवाइयाँ दी है जी। लो जी, तो दवाई टाइम हो गया है, वो देखो भाग गया, चली गई, कुछ तो उसके मुंह में गई है, यहाँ पे लेट के ले वो दौड़ गया जी। पापा उसको पकड़ने गए हैं। तो दवाई किसी को भी पसंद नहीं होती है जी, जिस तरह बच्चों को दवाई पसंद नहीं है, ये भी छोटा ही है और उस तरफ चला गया। वो देखो वो ढूंढने गए, वो इस तरफ से आ गया। तो पापा उसको लेने के लिए गए हैं और ले आए पकड़ के। नखरा करता है बच्चों की तरह, वो लो जी बच्चों की तरह करता है ये बच्चा। देखो जी, तो दोनों ने दवाई दे दी उसको, हाँ मुंह बना रहा है जी अजीब से, है ना। तो चलो जी, परमेश्वर से ही प्रार्थना है कि जल्दी ये भी ठीक हो जाए, और जो भी अपडेट होती है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। वो देखो जी, दवाई पसंद नहीं आई और कहाँ ऊपर जाके बैठ गया जी पौधे के पास में।